हम देखने वाले हैं भारत को रुलाने वाला आज चीखे मार मार रो रहा है। सो आज का वीडियो आपको समझ आ गया होगा कि किससे रिलेटेड होने वाला है। आज का वीडियो है हाफिज सईद जो हैं उनके बेटे जो कि किडनैप हुए थे, लेकिन उसके बाद उनको जो है अब खबर आ रही है कि ईद मिलादुन्नबी के दिन पर उनको कत्ल कर दिया गया है, मतलब ही इज किल्ड नाउ। अब चलकर देखते हैं ये वीडियो और उसके ऊपर फिर मजीद डिस्कशन करते हैं। फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट द वीडियो एंड हियर वी गो। मुंबई हमले का मोस्ट वांटेड आतंकी हाफिज सईद, उसके बेटे को पाकिस्तान में ढेर कर दिया गया। बुलेटिन के आगाज में आपको अफसोसनाक खबर देंगे। कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर में नामालूम अफराद की फायरिंग, मौलाना जियाउर रहमान को शहीद कर दिया गया है। तुम तो कह रहे थे कि दुनिया की तुम नंबर वन एजेंसी हो, तुमसे बिना पूछे परिंदा पर नहीं फड़फड़ा सकता, और यहां पे हाफिज सईद के बेटे को निपटा रहे हैं लोग। कोई शक नहीं कि मेरे ख्याल में कि इसके पीछे जो मास्टरमाइंड तो हिंदुस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी रॉ होगी। मुमकिन है कि बहुत जल्दी ये भी खबर आए कि हमारा मोस्ट वांटेड आतंकी हाफिज सईद अभी दुनिया में नहीं रहा। देखिए भाई, आजकल रा का खौफ जो है वो बहुत ही रॉ फॉर्म में पूरी दुनिया में व्याप्त हो रहा है। हिंदुस्तान की रियासती दहशतगर्दी के हवाले से 87 ट्रेनिंग कैंप्स बनाए हैं रॉ ने पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई के लिए, 66 अफगानिस्तान में और 21 हिंदुस्तान में। लेकिन लोग ये कह रहे हैं कि उसको कुछ लोग उठा के ले गए, कुछ कह रहे हैं उसको ठोक दिया, उसका एनकाउंटर हो गया बीचों बीच। अच्छा, इससे क्या हुआ कि ISI और ISI ने जो पाले हुए थे लोग अपने आतंकी, वो ISI से पूछने लगे कि यार एक बात बताओ, तुम तो कह रहे थे कि पाकिस्तान में तुम्हारी बड़ी चलती है। ये बात ठीक नहीं है मोदी जी और डॉक्टर जयशंकर साहब, आप इसका ध्यान रखें, क्योंकि जो आतंकवादियों के फंडामेंटल राइट्स हैं उनका उल्लंघन हो रहा है। आप देखिए, आपने बशीर अहमद पीर को, वो कश्मीरी टेररिस्ट था, उसको आपने उड़ा दिया, कहाँ, वो भी बेचारा रावलपिंडी में था। इंडिया तमाम तरह दहशतगर्द गिरोहों से रवाबित कायम करके पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दों का एक मुश्तरक इत्तेहाद बना रहा है। अफगानिस्तान में भारतीय सिफारतखाने में तैनात भारतीय कर्नल राजेश दहशतगर्द तंजीमों के साथ रब्त। जय हिंद दोस्तों, जितने भी भारत के मोस्ट वांटेड आतंकवादी हैं एक एक करके खर्च होते जा रहे हैं। अब एक और खर्चा हो गया आतंकवादी का, कमालुद्दीन सईद, जमातुल दावा के चीफ हाफिज सईद के छोटे बेटे, जो कि हाफिज सईद जितना ही कद में थे, क्योंकि बहुत ज्यादा वो आतंकवादियों की रिक्रूटमेंट करते थे, युवाओं का ब्रेन वॉश करते थे पाकिस्तान में और उनको रिक्रूट करते थे एज अ आतंकी अपने ग्रुप में, तो उनको किसी ने 3 दिन किडनैप करके खर्च कर दिया। ऐसा न्यूज आ रहा है कि उनको गोली से भूंज दिया गया और उनकी एक लाश मिली है कराची के आसपास पाकिस्तान में, जिसकी शिनाख्त कर रहे हैं, लेकिन न्यूज में आप लोग देख सकते हैं पाकिस्तान में आ गया है। तो दोस्तों, जितने भी भारत के वांटेड हैं एक एक करके खर्च हो जा रहे हैं, चाहे वो खालिस्तानी हो चाहे वो फिर दहशतगर्द हो ये मौलाना टाइप के। तो दोस्तों, आप पाकिस्तानी जो है उनका तो आप लोगों को पता है, अगर इनके पाकिस्तान में गलती से 2 बच्चे हो जाए जुड़वा तो वो भी कहेंगे रॉकी साजिश है। तो ऑब्वियस ही बात है, इस ये जो कमालुद्दीन की हत्या हुई है इसमें भी नो डाउट आप लोगों को मेरे से ज्यादा पता होगा किस पे इल्जाम लगा रहे हैं। ये तो कह रहे हैं भाई रोने मारे। अब इनको कौन समझाए यार कि तुम्हारे घर में मतलब अगर कुछ भी होता पाकिस्तान के, एक बच्चे को चोट लग जाती है रोने कराए, तो मतलब रो तो इनके लिए खाना पीना हो चुका है, इनकी तो आदत बन चुकी है मेरे हिसाब से। तो हमारी क्या औकात है भैया, जब हाफिज सईद के बेटे को ISI के नाक के नीचे से निपटा, अब उसको मारा नहीं मारा ये किसी को नहीं पता दोस्तों, लेकिन ये र्यूमर, ये अफवाह पूरी फैली हुई है कि हाफिज सईद का जो बेटा है कमालुद्दीन, इसके साथ कुछ ना कुछ हो गया है समय से पहले। एज यूजुअल पाकिस्तानी कह रहे हैं कि भारतीयों ने मार दिया, तो वहां पर किसी को जुकाम भी होता है तो भारत की वजह से होता है, और अगर किसी का पेट चल जाए तो उसमें भी साजिश होती है हिंदुओं की। ये सब आप जानते हैं, पाकिस्तानियों का माइंडसेट, उनका दिमाग, उनका जहन कैसे चलता है पाकिस्तानियों का। तो ये कहना कि भाई इंडिया ने कर दिया, ये खुफिया एजेंसी रॉ दाइश पाकिस्तान बनाने की साजिश कर रही है। इसने हाल ही में 30 दाइश दहशतगर्दों को पाकिस्तान और इर्द गिर्द के जो इलाके हैं वहां पर मुंतकिल किया है। दहशतगर्दों की तरबियत के लिए अफगानिस्तान में 66 और भारत में एक कैंप भी कायम है। तर्जुमान पाक फौज का यह कहना था कि बलूचिस्तान में सी पैक को नुकसान पहुंचाने के लिए भारत ने 700 अफराद पर मुश्तमिल खुसूसी मलेशिया बनाई है, जबकि नवंबर और दिसंबर में कराची, लाहौर और पेशावर में दहशतगर्दी के बड़े वाकयात का खतरा है। भारत ने कंधार में दहशतगर्दों के कैंप के लिए $30 मिलियन लगाए हैं, जबकि PC गवादर पर हमले के लिए भारत ने $0.5 मिलियन फंडिंग। मुझे कहे कि मेरे मन में एक बात है, मैं ये कहना चाहता हूं पाकिस्तानियों को,
देखिए इंडिया ने तो नहीं करा होगा ये सब, क्योंकि हम लोग गांधी का देश है, गौतम बुद्ध का देश है, हम लोग पीस लविंग लोग हैं, हम लोग कभी ऐसे ऐसे काम नहीं करते, किसी को मारा ये सब, ये हमें सूट भी नहीं करता, हम लोग करते भी नहीं ऐसे काम। लेकिन फिर भी मैं एक चीज कहना चाहूंगा यार पाकिस्तानियों को ना, कि आप लोग खुद ही ये काम कर दिया करो, क्यों इंतजार कर रहे हो कि इंडियन करे कोई और करे, ये तो आपके मुल्क के लिए भी बुरे हैं, आपने इनको पाल के रखा है ना, आपने इन लोगों को पाल के रखा है। जब मैं बात करता हूं मैं कमालुद्दीन की बात नहीं करता, मैं उसके बाद उसका बाप हाफिज सईद में उसकी बात नहीं करता, मैं एक ज़हनियत की बात कर रहा हूं, मैं एक थॉट प्रोसेस की बात कर रहा हूं, मैं एक आइडिया की बात कर रहा हूं। आपने इस आइडिया को पाल के रखा, आपने इस सोच को पाल के रखा कि ये जो सोच है ये सपोला है, ये सोच ये बड़े होकर जब सांप बनेगी भारत को काटेगी, भारत को काटा भी है, तो इसमें पाकिस्तान सक्सेसफुल रहा है कि भारत को काटा है। लेकिन जो कल आपके मस्जिदों में ब्लास्ट हुए थे, जो कल आपके इतने लोग मारे गए, एक ब्लास्ट में तो कहते हैं 50-55 से ज्यादा लोग मारे गए जो मस्जिद के अंदर हुआ था, ये भी उसी सिक्के का दूसरा पहलू है। और मुझे लगता है पाकिस्तानियों को सोचना चाहिए कि अगर आप सोचते हैं, और ये बात हिलरी क्लिंटन ने पाकिस्तान को कितने साल पहले बताई थी जब वो आई थी, उसने बोला था कि अगर तुम अपने घर के पीछे सांप पालोगे और ये सोचोगे कि वो सिर्फ तुम्हारे पड़ोसियों को काटे, तुम्हारे दुश्मनों को काटे, तो ऐसा नहीं है। सांप की फितरत है काटना, अगर तुम्हारे पड़ोसी को काटेगा तुम्हें भी काटेगा, और वही सांप आज पाकिस्तान को काट रहा है। लश्कर के चीफ हाफिज सईद का बेटा जिसका नाम था कमालुद्दीन सईद, उसकी अब कुछ पता लगना शुरू हुआ है। खबर ये आ रही है, हालांकि ये खबर कंफर्म नहीं है, खबर ये आ रही है कि उसकी हत्या कर दी गई, जो अबडक्टर्स उसे उठा के लेके गए थे उन्होंने उसकी हत्या कर दी। और ये भी खबर आ रही है कि जो अबडक्टर्स लेके गए थे उन्होंने उसको बहुत टॉर्चर करके उसकी हत्या की, उसकी उसकी लाश जबा वैली में मिली, केपीके में। हालांकि मैं किसी भी तरीके के वायलेंस के खिलाफ हूं, लेकिन यहां पर कुछ ज्यादा सीरियस हो गया मामला। एक आदमी की खैर आतंकवादी था, नो डाउट अबाउट इट, इसके हाफिज सईद के जो फैमिली के 36 लोग आतंकवाद में है, ये भी एक और बेटा तलहा वो भी है। अच्छा इस कमालुद्दीन को कोई आदमी मानने के लिए तैयार नहीं है कि ये हाफिज सईद का बेटा था। कमालुद्दीन के लिए सब इनकार कर रहे हैं, पाकिस्तान के चैनल सारे बोल रहे हैं कि हाफिज सईद का कोई बेटा ही नहीं कमालुद्दीन नाम का। उनसे एक चीज और पूछना कि मैंने भी पूछा कि क्या कोई बेटी भी हाफिज सईद की, नाम मैं कल के शो में बता चुका हूं, वो नहीं जानते होंगे। क्या इसमें इससे आगे और चलते हैं कि ये इसमें अभी तक सवालिया निशान कितने हैं, ये काम करवाया किसने? मेरे अपने अभी पिछले वीडियो में, उस वीडियो में मैंने ये साफ बताया था कि ये काम कौन करवा सकता है। इंडिया ने नहीं करवाया, ये गारंटी दूंगी इंडिया सीधे मर्डर करवाता। उसको उठा के इंडिया लाने का कोई तरीका नहीं था अपने हाथ में, हम उसको उठा के फिरौती नहीं मांगना चाहते थे, और उठा के मारना ही हमारा मकसद था तो सीधे क्यों नहीं मारा? ये टीटीपी का स्टाइल लग रहा है, क्योंकि टीटीपी उस एरिया में एक्टिव है। हालांकि बीएलए भी ये काम करती है, बलूच लिबरेशन आर्मी जो कि फ्रीडम फाइटर्स है बलूचिस्तान की, वो भी ये काम करते हैं, लेकिन ये काम टीटीपी का ज्यादा क्यों लग रहा है? क्योंकि ये टीटीपी के स्ट्रॉन्ग होल्ड से काम हुआ है, और जहां पर मिली है लाश उस एरिया को तो बिल्कुल टीटीपी का स्ट्रॉन्ग होल्ड बोलते हैं, जपा वैली जो है। अच्छा केपीके भी स्ट्रॉन्ग होल्ड है। अच्छा अब बात ये कि ये अबडक्शन के पीछे गेम क्या था, ये बात भी मैंने आपको पहले बताई थी कि नो डाउट के वो दबदबा बना रहा था केपीके में अपना, और वो इनरोड्स बना रहा था इसलिए मार दिया गया। इसमें एक एक शक और एक चीज और शक पैदा करती है, वो ये कि आईएसआई ने इसकी जो लास्ट राइट से सीक्रेटली परफॉर्म कर दी। सीक्रेटली क्यों परफॉर्म कर दी? भाई ला सकते थे, किसी ने मार दिया मर गया ठीक है, क्योंकि ये खबर लीक हो गई थी कि बेटा अबडक्ट हो गया, वो भी पेशावर से इंडिया में खबर लीक हो गई थी, सारी दुनिया में थी खबर, हर वेबसाइट पे थी, तो वो ये दिखाना नहीं चाहते थे कि उसका बेटा मारा गया। अब वो कहीं पे बोल देंगे बेटा मर गया एक्सीडेंट में, तो ऐसा ही ने सीक्रेटली और उसके कुछ रिश्ते डाल ले गए थे, ये हाफिज से जेल में हाफिज दूसरा भाई था। कर्म अच्छे नहीं होते तो दिन ही नहीं आता। मैं ये समझती हूँ कि दिन कैसे आएगा जब आपकी हरकतें ही ऐसी होंगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि वैसे तो किसी की मौत पर हमें हंसना नहीं चाहिए, और इंसान की जब डेथ होती है तो उस पर हमें दुखी होता है, लेकिन यहाँ पर जो खबर आ रही है कि हाफिज सईद जो है उनके बेटे को मार दिया गया, इससे पहले खबर आ रही थी कि भाई उनको किडनैप कर लिया गया। तो दोस्तों ये किडनैप करने से
जो है वो उसको कत्ल करने तक का, मतलब कि उनको इस कदर टॉर्चर किया गया है कि आप देखें कि उनको बॉडी पे उनके निशान है। इसका मतलब ये है कि किसी ने खूब भड़ास निकाली है, इतनी भड़ास निकाली अपने दिल की कि उन्होंने बहुत ही जो है दुश्मनी निकाली है। अब जो भी इसके पीछे है, लेकिन एक बात तो कन्फर्म है कि उन्होंने अपने दिल की सारे दुख दर्द गुस्सा जो है ना वो सारा दिखाया है, और वो सारी चीजें जो है वो उनकी बॉडी पे निशानात जो है वो देखने को मिल रहे हैं। विच इज जो है हम ये कह सकते हैं कि भारत की रॉ के ऊपर भी अगर ये इल्जाम लगाया जा रहा है तो भाई बात यह है कि भारत की खुफिया एजेंसी पाकिस्तान में आ कैसे जाती है और आके कारनामा भी कर जाती है और आपको कुछ पता ही नहीं होता। इससे पहले भी बहुत सारे एलिगेशन नजर आए हैं, एलिगेशन ही प्रूफ के साथ आए हैं। तो अब ये खबर के भाई हाफिज सईद जैसी जो पर्सनैलिटी है पाकिस्तान की, उनके बेटे के साथ जो है उनको किडनैप भी कर लिया गया और फिर उनको कत्ल भी कर दिया गया, तो ये बहुत बड़ी बात है कि पाकिस्तान में जो है हाफिज सईद के बेटे को पकड़ के कोई ले जाए, ये बहुत बड़ी बात है। मतलब कि वैसे अगर कोई सुनेगा तो यकीन नहीं करेगा, लेकिन फिर अब बाद में बात आती है कत्ल की तो वो भी तो यकीन है ना। अब इसके बाद मामला देखने वाले होंगे जब न्यूज निकल कर आएंगी, लेकिन अभी तो किसी ने भी इस बात को एक्सेप्ट ही नहीं किया कि भाई ठीक है हम हाफिज सईद जो है उनकी बेटी को हमने पकड़ा है, वरना वैसे तो खबरें आ ही जाती है। और पहले वो किडनैप हुए हैं, उसके फौरन बाद जो है वो ईद मिलादुल नबी के दिन जो है वहां पर बलूचिस्तान में इंसिडेंट हो जाता है ब्लास्ट का मस्जिद में। तो ये चीजें जो है ना एक साथ है होना, ये काफी जो है ना मुझे लगता है कि आपस में ही कहीं ना कहीं जुड़ी हुई हैं। तो इसके पीछे कोई ना कोई तो ऐसा है सिस्टम। अब ये किसने किया है वो तो बात की बात पता है, लेकिन ये है कि दोनों चीजें हुई हैं। सो देखना यह है कि क्या होता है बाकी। अब रॉ के ऊपर भी इल्जाम लगाया जा रहा है कि रॉ ने किया, अगर रॉ ने किया तो वही बहुत बड़ी बात है कि रॉ की ताकत है कि वो पाकिस्तान में बैठ कर इतना कारनामे करके दिखा रही है। सो आप क्या कहेंगे इसके ऊपर दोस्तों, कमेंट में जरूर बताइए।